अकाशा और प्रतीक सहजपाल के बीच बड़ी नजदीकियां, आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, लाइव फीड में हम अक्सर देखते हैं कि अकाशा और प्रतीक सहजपाल आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और इनकी दोनों की बॉन्ड काफी ज्यादा बढ़िया है। वेल, अगर बात करें तो करण कुंद्रा तेजस्वी के बाद किसी की केमिस्ट्री को पसंद किया जाता है बिग बॉस के घर में, तो वो है प्रतीक सहजपाल और अकाशा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी काफी बढ़िया लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में बढ़ रही इन नजदीकियों की, तो वेल मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में लाइव फीड में देखने को मिला कि अकाशा और प्रतीक सहजपाल की फाइट हो गई थी। दरअसल कैप्टेंसी टास्क जो है वो प्रतीक सहजपाल की वजह से रद्द हो गया था, उनकी वजह से जो है आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी, और इसके चलते अकाशा ने प्रतीक को कह दिया था काफी कुछ और कहा था कि आप हर बार ऐसे ही करते हो और यहाँ पर आप गलत हो। वेल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक हॉट टॉक हो गया था जहां पर अकाशा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी प्रतीक से। वेल, बाद में प्रतीक सहजपाल जो है वो अकाशा के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। वेल, इसके बाद में अकाशा उन्हें टाइट हग कर लेती हैं और इन दोनों के बीच में सुलह भी हो जाती है। वेल, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कैसी लगती है प्रतीक सहजपाल और अकाशा की जोड़ी जरूर बताइए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।